हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऐसे पांच मोनोपोली बिजनेस से रिलेटेड और पांच ऐसे मोनोपोली स्टॉक जो मार्केट में लिस्ट है क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसके टेक्निकल और उसके फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ हम बातें करेंगे और वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे ताकि आपको कम टाइम में एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए आ, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे और यहाँ पर आपके लिए दो स्टॉक्स आपके लिए दो वीडियो ऑलरेडी बनाई है चार्ट ऑफ द डे के नाम से जहाँ पर आपके पैसे डबल डेफिनेटली होंगे और एक और वीडियो बनाइए टेक्सटाइल स्टॉक स्टडी से रिलेटेड यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रही है हमने तो उसे जाके देख लीजिएगा क्योंकि टेक्सटाइल के स्टॉक काफी भाग रहे हैं तो कौन सा अच्छा आपके लिए रहेगा बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और यहाँ पर केवल सीखना और सीखने के लिए आपके लिए वीडियोज यहाँ पर बना रखी है प्ले बना रखी है जाके गो थ्रू करिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो देखिए पांच बिजनेस ऐसे है जो कि और कोई करता ही नहीं है मार्केट में ऐसे पांच बिजनेस मौजूद है ओके जिनके बारे में कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है तो उन पांच पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करेंगे आज और उनमें से सबसे पहले तो आपको सबसे पता ही है

ईआरसी आई की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म के बिजनेस में है और इसके अलावा आप चाहे किसी भी पोर्टल में अपनी टिकट बुक करें आपको आई के पोर्टल पर जाना ही पड़ेगा चाहे पेटीएम पे करें चाहे आप फोन पे करें या किसी दूसरे थर्ड पर्सन से आप कराइए बाहर एजेंट से कराइए बट वो भी कहीं से भी अगर टिकट बुक करेंगे वो करेंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग और ये नंबर वन स्टॉक है इसे कोई नहीं है अभी इसे खरीदने का

बेहतरीन है है सब सब कुछ पर पर अच्छा खासा चीज से रिलेटेड हमने ऑलरेडी बातें कर रखी है शेयर होल्डिंग पैटर्न बेहतरीन है आ, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा तो वहां देख लीजिएगा बाकी हम बात करें यहाँ पर आई के टेक्निकल से रिलेटेड तो आई देखिए यहाँ पर इसने भी शुरू हुआ है इसका बिजनेस दोबारा से जहां पर लॉकडाउन में यहां पर फंसे हुए थे और यहाँ पर अगर बात करें ऑल टाइम हाई पे चल रहा है यहां पर इसने एक सपोर्ट बना रखा है यहीं पर यह बार बार आके अभी रुक रहा है यहां पर कोशिश करी थी इसे ऊपर जाने की बट मार्केट ने इसे सपोर्ट नहीं किया ओके और इसका स्प्लिट होने वाला है बारह को रिजल्ट है उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आप चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं इसके अलावा दूसरा बिजनेस जिसके जिससे रिलेटेड आपने नाम तो सुना होगा बट आप शायद जानते ना हो तो यहाँ पर है सी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज देखिए वैसे अगर बात इंडिया की तो वैसे तो यहां पर मोनोपोली नहीं है इस बिजनेस में क्योंकि यहां पर एनएचडीएल भी है बट अगर बात करें आ, मार्केट में केवल एक ही ऐसा स्टॉक है एक लौता स्टॉक है, है जो कि यहां पर बिजनेस को म, म, मोनोपोली आपने बना रखा है यहां पर क्योंकि एनएचडीएल लिस्ट ही नहीं है तो वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसलिए ये स्टॉक चार सौ रुपए से चौदह सौ रुपए पे कैसे भागता हुआ दिखाई दिया वो आप आ, हम सबके सामने है बाकी यहाँ पर बात करें ए एस एम की स्टेज फोर की लिस्ट में यहाँ पर चल रहा है आर ओ सी बेहतरीन है अभी इसके रिजल्ट आए थे ओके और रिजल्ट के बाद यहाँ पर बात करें रिजल्ट काफी बेहतरीन एक सौ सत्रह करोड़ रुपए की हाईस्ट एवर सेल्स थी यहाँ पर चौसठ करोड़ की हाइएस्ट एवर नेट प्रॉफिट था ईयरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया क्योंकि जितने भी ब्रोकरेज अकाउंट ओपन हो रहे हैं इनके चार चार करोड़ कस्टमर हो गए हैं तो ये सारी चीज इसे अलग बना दे

अच्छी खासी रैली फूड उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है इसे अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है अपने पोर्टफोलियो में एड करें काफी बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक है इसके अलावा एक और स्टॉक से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पर कैंप्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम जब यहाँ पर ये स्टॉक आया था लोग ज्यादा इसे तवजुब नहीं दे रहे थे इसके बाद इस शेयर ने आपने आपको, आपको डबल करके दिखाया डेट फ्री कंपनी है 57 का आर ओ सी एस के यहाँ पर यहाँ पर ए एस सी के पी पे काम कर रहा है म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर एजेंसी कहते हैं इसे मतलब मतलब जो भी आपका काम होता है दस्तावेज वगैरह यहाँ पर ये यह उसकी टेक केयर जो करता है आपकी जो भी डिटेलिंग होती है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो सब कुछ यही कंपनी करती हुई नजर आती है एसेट मैनेजमेंट का काम है और एसेट मैनेजमेंट कभी नहीं

क्योंकि तो आईएएस का पूरा नाम क्या है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज तो जैसे जैसे यहाँ पर पावर की खपत पावर एक्सचेंज तो पर शेयर बाजार की रेगुलेटर, की रेगुलेटर इसी तरह की से पावर की रेगुलेटर यह कंपनी है तो यहाँ पर अगर बात करें इसकी जैसी कंपनी नहीं है यहां पर बात करें ट्रेडिंग इन पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग ऑफ और रिन्यूअल एनर्जी में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है इस टू प्रोवाइड द ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी करने का काम इसी का ही है यही यहाँ पर सब कुछ लाइसेंस वगैरह देती हुई नज़र आती है तो थोड़ा सा इसे समझने की जरूरत है इसके बिजनेस रिलेटेड और डीप में जाएंगे तो पता चलेगा और यहाँ पर सेल्स देखिए पिछले दस साल में यहाँ पर छत्तीस करोड़ की सेल्स तीन करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है हर एक साल प्रॉफिट आया उन्नीस करोड़ का प्रॉफिट दो करोड़ के प्रॉफिट में

ये स्टॉक फिर दोबारा आपको मल्टी बैगर बनाएगा और एक सौ रुपए का स्टॉक आज के रेट में साढ़े चार सौ रुपए के तक पहुंच गया है तो थोड़ा समझने की जरूरत है इसके अलावा एक और बिजनेस है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहां पर आ जाते हैं एक और बिजनेस है कौन कौर? यहाँ पर देखिए पांच स्टॉक हो गए बट इसके अलावा अगर चाहेंगे तो और दो स्टॉक से रिलेटेड बातें कर लेंगे आ, बाद में अगर कभी चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए इका यहाँ पर सिक्स डबल नाइन का यहाँ पर प्राइस है बट अगर बात करें सेवन का आर है डेट फ्री कंपनी है और अगर मार्केट कैप की बात करें लार्ज कैप कंपनी है बयालीस करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पर अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर देखिए अच्छे खास यहाँ पर रिजल्ट है हमेशा एटीन के आसपास नाइनटीन के आसपास यहाँ पर सेल्स यहाँ पर दिखाई देती है नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हमेशा पॉजिटिव

आ, यहाँ पर पैंडेमिक का असर था इस वजह से बट जैसे जैसे धीरे धीरे पैंडेमिक का असर खत्म हो जाएगा तो आपको पता ही है जिस तरीके से यहाँ पर इसने कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर हाईएस्ट एवल नेट प्रॉफिट दिखाया था दोबारा यहाँ पर उसी तरीके का प्रॉफिट दिखाता हुआ नजर आएगा रिजर्व बेहतरीन है डेट फ्री कंपनी है बिजनेस क्या करती है यहाँ पर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन एडिशन टू प्रोवाइड द इनलैंड ट्रांसपोर्ट बाई रेल फॉर कंटेनर मतलब कंटेनर्स वगैरह जो आप देखते होंगे कि स्टेशनों पर पड़े रहते हैं ओके बाहर की तरफ थोड़े उनके आउटर एरिया में तो ये

कौन कौन में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए हाईएस्ट लेवल लेवल पर यहाँ पर चल रहा है अड़तालीस का लेवल बनाया था इसने लास्ट टाइम उसके बाद गिरता हुआ नजर आया और जब भी ये फिफ्टी डीएमए पे आता है दोबारा इसी तरीके से भागता हुआ नजर आता है तो फिफ्टी डीएमए के आसपास ही चल रहा है रिजल्ट शायद अभी आए नहीं है और यहाँ पर जब इसके रिजल्ट आ जाएंगे दोबारा ये शेयर एक रिजल्ट आ गए है

उनके जैसे काम करना कुछ कंपनी अच्छे खासे रिटर्न दे चुकी है कुछ में थोड़े बहुत ऊपर नीचे है बट पेंडेमिक से अगर देखेंगे सारी कंपनी ने अच्छे खासे आपके पैसे को एटलीस्ट डबल किया है तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस